सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सालू नेगी, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज का मौसम मैं आपको दिखाऊं तो अच्छी सी धूप लगी हुई है, सुहावना सा मौसम हो रखा है। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं दौला मंडुए की लवाई करने। माँ तो आगे चले गई है और मैं अभी जा रही हूँ। तो दोस्तों, अभी हम खेत में पहुंच चुके हैं और एक कंडी मंडुए की लवाई भी हमने कर दी है और अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तब चलते हैं घर की ओर। और धूप बहुत तेज हो रही है। बाकी अभी जा रही हूँ दूसरे खेत में और वहीं से हम घर जाएंगे। और यहाँ पर ना लोगों ने भी नहीं कर रखी है मंडुए की लवाई। तो दोस्तों, अभी हम घर जाने लग गए हैं। ओ घर ए ओ वो तो दोस्तों, अभी आ गए हैं हम दौला से घर और यहाँ पर काना पे आज गुस्सा आ रखा है, पता नहीं क्यों। बाकी यहाँ त्रिपाल में सुखाने के लिए डाल रखा है कूटा हुआ मंडुआ। तो दोस्तों, अभी चाय रोटी खा ली है और अब जल्दी से घर के कामकाज निपटाती हूँ। सुबह मैंने घर के कामकाज नहीं किए थे और बाकी भात बनाने का टाइम भी हो गया है। तो दोस्तों, अभी भात भी बन चुका है हमारा, बस अब भात खाने की तैयारी है। काना ने तो खाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अभी शाम के लगभग 4 बज चुके हैं और शाम की चाय भी हमारी बन चुकी है और अभी अपने गांव से धूप भी जा चुकी है तो जल्दी से चाय पीते हैं। अभी हमने घास न्यार के लिए जाना है। तो दोस्तों, अभी हम खेत में जा रहे हैं। चल आराम से जा। नीचे ही उड़ू तो बाकी हम अभी खेत में आ गए हैं और अब जल्दी से इस न्यार को काटते हैं। और कुछ न्यार माँ ने यहाँ पर काट के यहाँ पर सुखाने के लिए डाल रखा है और ये सूख भी गया है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? यपा जो यपा, कैसे हो आप लोग? मैं आ रही हूँ खेलने। तुम भी एक ना बाहर बोल बोल बोल। तो दोस्तों, अभी हमने न्यार घास काट दिया है, न्यार यहाँ पर सुखाने के लिए डाल दिया है और घास के माँ पुए बांध रही है। तो दोस्तों, माँ तो जा रही है गौशाला। क्या बोनी भागा दिंडी पुला। और मैं चलती हूँ घर।
तो दोस्तों अभी मैं घर आ गई हूँ और यहाँ पर देखिए चाची ने अपने आंगन की लिपाई कर दी है। तो दोस्तों अभी अंधेरा भी हो चुका है और मैंने यहाँ पर अभी भी मैं आग भी जला दी है और यहाँ पर दो बंदर आ रखे हैं। हैं बोला तब कुछ बोला दू लोच भले। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। जय देव हूँ उत्तराखंड।